हेलो एवरीवन। तो अब हम अपने सबसिक्वेंस नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने इस सीरीज में रियल एनालिसिस की सीरीज में दो चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारा जो सीक्वेंस जो चैप्टर था उस सीक्वेंस चैप्टर में भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है सबसिक्वेंस, ठीक है। अच्छा, तो मतलब सीक्वेंस में ऑलमोस्ट हमारे खत्म हो चुका है, सबसिक्वेंस चल रहा है, और इसके बाद नेक्स्ट लिमिट सुपीरियर इनफीरियर वगैरह रह जाएगा, एक आध और टॉपिक वो होगा तो हम देख लेंगे। सीक्वेंस सीरीज मतलब हमारी सीक्वेंस जो इस चैप्टर में सीक्वेंस तक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा सीरीज होगा, फिर हम यूनिफॉर्मली पॉइंट वाइज वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो सब सीक्वेंस क्या होते हैं, देखो सीक्वेंस का ही हिस्सा होता है सब सीक्वेंस। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, बेसिक ईजी डेफिनेशन बोलूँ ना, आपके पास जो सीक्वेंस है ना उसी में से कुछ कुछ टर्म्स वगैरह अपनी साइड ले लो और उसे इस फॉर्म में बनाओ कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की फॉर्म में बने, जो भी आपका बन रहा है मतलब नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में वो बन जाए, ठीक है। जैसे ए एन बी अ गिवन सीक्वेंस, इफ एन के इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज एन वन इज लेस देन एन टू इज लेस देन एन थ्री लेस देन दिस, देन ए एन के इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि वो उसका सबसिक्वेंस है, कुछ नया डेफिनेशन बेसिक है, जैसे सेट का सबसेट था वही है, बस इसमें क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये ना एक सेट दे रखा है बी ए, और इस सेट के बारे में ना पूछ रहा है, ये जो इसने ऑप्शन दिए ना इस सेट के बारे में पूछ रहा है मेरे से बी ए के बारे में। बी ए क्या है, मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसमें ए एन एक सीक्वेंस है, ए एन एक सीक्वेंस है डिफाइंड ऑन द सेट ए, डिफाइंड ऑन द सेट ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है। अब देखो मेरे को पता है कि ए एन जो एक सीक्वेंस है ना, ये जो ए एन है ये जो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या होते हैं मेरे को पता है सीक्वेंस क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एनी सेट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस सेट के अंदर ना जो बी ए है उसमें भी कुछ सीक्वेंस हैं, मतलब क्या है कुछ फंक्शंस हैं, मतलब क्या है कि जो बी ए है ना मेरे पास, एफ इज अ फंक्शन है, उस सेट के अंदर फंक्शन है सच दैट एफ फ्रॉम एन तो होगा ही होगा, फंक्शन है तो नेचुरल नंबर्स होंगे, और वो सेट कौन सा दे रहा है, ये बोल रहा है डिफाइंड ऑन ए, ए पर ही उसे डिफाइन कर रहा है, ये भी क्लियर कर दिया एफ फ्रॉम एन टू है। अब देखो ए क्या है, इसमें सबसेट ऑफ आर भी है, ये भी बोल दिया उसने, ये जो ए है सबसेट ऑफ आर भी है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब वो पूछता है कि बी ए इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, ये जो बी ए है ये हमेशा अनकाउंटेबल होगा। देखो दो बातें हैं, जब भी वो एक सेट के बारे में पूछे ना उस सेट के नोटेशन वगैरह को भूल जाना, जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो उसको भूल जाओ नोटेशन वगैरह को, बस ये देखो उस सेट के अंदर क्या है, एलिमेंट्स की बात कर रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल की, फंक्शंस की बात कर रहा है, फिर उसमें चली जाती है वो पूरी थ्योरी, फिर फंक्शंस में चली जाती है। जैसे ये जो सेट है ना, अब इस सेट के बारे में जो कुछ भी पूछेगा ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल, बेसिकली हमें सिर्फ फंक्शन के बारे में बताना है, हमें और किसी चीज के बारे में नहीं बताना, हमें फंक्शन के बारे में बताना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। तो बेसिकली ना बस मुझे क्या देखना है, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, और नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोडोमेन रेज टू द पावर डोमेन, ये हम कर चुके हैं पहले। कोडोमेन हमारे पास क्या है, ए, ए रेज टू द पावर डोमेन क्या है मेरा, हमेशा अलिफ नॉट ही रहेगा, नेचुरल नंबर मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस मेरे पास ए रेज टू द पावर अलिफ नॉट होंगे। अच्छा अब देखो ये क्या कह रहा है, अब इस हिसाब से चलो कि ये बोल रहा है बी ए इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, मतलब ये जो बी ए जो सेट है, मतलब इसमें जो फंक्शन होंगे हमेशा अनकाउंटेबल होंगे। अगर मैं ए की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 रेज टू द पावर अल्फ नॉट इक्वल टू 1, भाई रख सकता हूं ना, इसने एक बोला है, इसने बोला है कि जो ए है ना सेट ये आर के अंदर है, ठीक है, मतलब डिफाइंड ऑन सबसेट ऑफ आर के, मतलब जो भी मेरे इस सेट में एलिमेंट्स होंगे वो आर के होंगे रियल नंबर्स के, ठीक है। तो बेसिकली इसने ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं दी ना कि भाई मैं ए को 1 नहीं ले सकता, मैं ए को 1 ले सकता हूं और इसमें फाइनाइट आ गया, और ये बोल रहा है ऑलवेज अनकाउंटेबल, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, ठीक है ना भाई। अच्छा तो ये चीज क्लियर हो गई, अनकाउंटेबल हो गए। अच्छा अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, बी इज ऑलवेज काउंटेबली इनफाइनाइट, भाई मेरा फाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट नहीं आया, ठीक है, ये कट गया इसी ऑप्शन से, ये भी डिस्कार्ड हो गया। अच्छा अब देखो बी ए कैन बी, इसमें और इसमें ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, इधर था ये इज ऑलवेज, ठीक है,
इज ऑलवेज काउंटेबल इनफाइनाइट, गलत हो गया। बीए कैन बी काउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब देखो जब ए की वैल्यू मैंने 1 रखी ना तो 1 आया, मतलब फाइनाइट आया, और जब मैं ए की वैल्यू 2 रखता हूँ मतलब 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट, नंबर ऑफ फंक्शंस मेरे ये आते हैं। 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट क्या होता है आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी से, जिन्होंने नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने नहीं देखा है भाई वो पहले उस चैप्टर को देखो फिर यहाँ आना फिर इसे पढ़ना लगाना लग जाए ठीक है हो जाएंगे। अच्छा तो 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट क्या होता है, सी होता है, सी क्या होता है अनकाउंटेबल होता है। तो इसका मतलब जब ए की वैल्यू 2 भी थी ना, 2 एलिमेंट्स भी थे उसमें, तो मेरे पास अनकाउंटेबल आ गया था। तो और ए की वैल्यू 1 पर मेरे पास क्या आया था, मेरे पास ए की वैल्यू 1 पर क्या आया था, फाइनाइट आया था। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है मेरे पास काउंटेबली इनफाइनाइट आ ही नहीं रहा ठीक है। तो बी ए कैन बी काउंटेबली इनफाइनाइट, नहीं, ये भी डिस्कार्ड, ये भी डिस्कार्ड ठीक है। अब देखो इफ ए इज अनकाउंटेबल, अब ना इसने इफ लगा दिया, फिर ये बात कर रहा है कि ये जो बी ए है अनकाउंटेबल होगा। अब उसने इफ की बात की ना, तो इफ ए इज अनकाउंटेबल मतलब ए की वैल्यू जब अनकाउंटेबल हो तो बी ए भी अनकाउंटेबल होगा भाई, बिल्कुल होगा। ए की वैल्यू अगर आप अनकाउंटेबल ले लोगे, मतलब सी मान लेता हूँ, सी रेज टू द पावर अलिफ नॉट अनकाउंटेबल होता है, तो मतलब ये ट्रू ठीक है। बी ए कैन बी अनकाउंटेबल फॉर सम फाइनाइट ए, बोल रहा है कि ए की वैल्यू अगर मैं कुछ फाइनाइट रख दूं तो बी ए अनकाउंटेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू 2 थी, 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट, तो फॉर सम फाइनाइट ए बी ए कैन बी अनकाउंटेबल ठीक है। तो इसका मतलब डी और ई ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी इसमें डिस्कार्ड हो जाएगी। अच्छा तो अब देखो, अब ना रिजल्ट्स को देखो आप, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, मैंने सारे के सारे कोशिश किए लिखने की, कुछ 2-4 वगैरह मैं बोल दूंगा, एक आध और लिखवा दूंगा ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें पता चल गया अब सीक्वेंस, सबसीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस भी हमने पढ़ लिए ठीक है, डोमेन ऑफ नेचुरल नंबर से लेकर एक किसी भी सेट तक ठीक है। रियल सीक्वेंसेस बात, रियल सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन उसका नेचुरल नंबर होगा और कोडोमेन आर होगा। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस बात करेंगे तो नेचुरल नंबर का डोमेन और कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड होगी ठीक है। अच्छा अब देखो, एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, ऑब्वियसली लाइक एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ठीक है। तो इफ अ सीक्वेंस, देखो ये देखो, इफ अ सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू एल देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्जेस टू एल ठीक है। मतलब क्या है कि मेरे पास अगर कोई एक सीक्वेंस होता है ना, उसके अंदर कुछ भी हो, कितने ही सब सीक्वेंस हो, अगर ये जाएगा यहाँ, यहाँ जाएगा, तो ये सब भी एल पर ही जाएंगे। इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्जेस टू एल, इनफैक्ट अगर ये सब भी एल पर जाएंगे तो ऊपर वाला सीक्वेंस भी एल पर जाएगा। मतलब इफ ऑल सब सीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्जेस टू एल ओनली देन सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू एल ठीक है। हम ये थेरीज में लगाएंगे ना तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे, कहीं कहीं ऑप्शंस में सीधे सीधे ऑप्शंस होते हैं, मतलब क्वेश्चंस में सीधे सीधे ऑप्शंस होंगे तो ये उसमें इंपॉर्टेंट होंगे, वो हमें देखते लगा देना है ठीक है। इफ द सबसीक्वेंस ऑफ, देखो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि इफ द सबसीक्वेंस ऑफ ए टू एन एंड ए टू एन माइनस वन कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट एल, मतलब मेरे पास दो सबसीक्वेंस हो, ए टू एन हो और ए टू एन माइनस वन हो, दोनों के दोनों जब एल पर कन्वर्ज करेंगे ना तभी मैं कहूंगा कि ये जिसके भी अंदर हैं, ये जो ए एन है ये भी एल पर कन्वर्ज करेगा ठीक है, वो भी एल के अंदर कन्वर्ज करेगा। अच्छा अब देखो, अभी जो एक क्वेश्चन किया था उससे ना एक चीज क्लियर हो गई थी कि ए सीक्वेंस डिफाइंड ऑन अ सेट इज आइदर यूनिक, या तो यूनिक आया था जब ए की वैल्यू 1 थी और अनकाउंटेबल है ना, या तो यूनिक होगा और या फिर अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल मेरे पास कभी नहीं आया था ठीक है। अच्छा अब देखो, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें आ जाता है, इसके बाद आ जाता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस का ठीक है। हाँ ये कन्वर्जेंस के हैं रिजल्ट्स वगैरह, अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात हो, अब देखो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ इन्हें, अब देखना अगर ए एन जो सीक्वेंस है ना वो अगर डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पर, तो जो इसके सबसीक्वेंस होंगे ना वो भी प्लस इन्फिनिटी पर ही डाइवर्ज करेंगे ठीक। वैसे अगर ए एन एक सीक्वेंस है माइनस इन्फिनिटी पर कन्वर्ज करेगा तो उसके जो सबसीक्वेंस होंगे वो भी माइनस इन्फिनिटी पर, सॉरी ए एन जो सीक्वेंस है अगर वो डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी पर तो उसके सबसीक्वेंस भी डाइवर्ज करेंगे माइनस इन्फिनिटी पर ठीक है। अच्छा अब देखो, अब क्या है कि मैं क्या कह रहा था, ऑसिलेटरी सीक्वेंस की मैं बात कर रहा था कि
ऑसिलेटरी सीक्वेंस के जो सबसीक्वेंस होते हैं ना वो डाइवर्ज भी कर सकते हैं और कन्वर्ज भी कर सकते हैं। अब मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस कैन हैव बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एज इट्स सबसीक्वेंसेस, ठीक है। उसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों सबसीक्वेंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक सीक्वेंस ले लूं जो ऑसिलेटरी हो, पहले मुझे ये लेना पड़ेगा कि भाई वो जो सीक्वेंस हो मेरे पास वो ऑसिलेटरी हो, ठीक है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस मैं ले लेता हूं एक, ठीक है। देखो अब मैं एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस ले रहा हूं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कौन सा लूं, इसमें पहले भी ले रखा है मैंने यही सीक्वेंस, मैं वही ले लेता हूं, 1 1 3 इवन पर 1 तो 1 5 1 7 ऐसे, ठीक है। मतलब ये बेसिकली ये जो मेरे पास सीक्वेंस है ना वो ये है, 1 रहेगा जब n इवन हो और n रहेगा जब n ऑड हो, ठीक है। ये सीक्वेंस है। अब देखो ये सीक्वेंस क्या है, ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। कैन हैव बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सबसीक्वेंसेस, कैन हैव बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सबसीक्वेंसेस, ठीक है। तो कन्वर्जेंट के लिए मैं क्या ले सकता हूं, इसमें से मैं निकाल दूं, मैं इवन इवन वाले ले लूं सारे, मतलब मैं एक सबसीक्वेंस बना दूं ए टू एन जो इवन सबसीक्वेंसेस, इवन सबसीक्वेंस में आ रहा हो, और उस सबसीक्वेंस में क्या टर्म आए, ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस होगा 1 जो कन्वर्ज करेगा 1 पे। तो मैं कह सकता हूं कि ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस कैन हैव कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मैं एक 2-1, ठीक है, तो 2n-1 कर दूं तो ये 1 आ जाएगा और फिर ये 3-5, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या टर्म्स आएंगे, 1-3-5-7, ये क्या आ जाएगा, 1-3-5-7-9-11 वही आ जाएगा जो आता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी आ जाएगा ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट सबसीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या पता चल गया कि ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस के पास क्या होता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी मिल सकता है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी मिल सकता है। ऐसे जादुई और अद्भुत ताकतवर पोजेस करते हैं ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा तो ना अब देखो ऑलमोस्ट ये चीज़ तो हो ही चुकी है, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनका जिनके बारे में आप सुनते रहोगे बीच बीच में, ठीक है। तो मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको कि पहला है इसमें सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, देखो सैंडविच थ्योरम स्क्वीज थ्योरम है, ये सब्जेक्टिव में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वैसे तो हालांकि कॉम्पिटेटिव में भी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोई भी जो क्वेश्चन आया ना उसमें सैंडविच थ्योरम यूज करके नहीं दिखाते हो कि भाई वो वैसे होगी, तो क्योंकि उसमें बहुत बार लेंथी हो जाता है और सॉरी तो बहुत बार वो लेंथी हो जाता है तो क्वेश्चन फिर ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है सॉरी तो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसलिए जो सैंडविच थ्योरम है मतलब सब्जेक्टिव वगैरह तो बहुत ही ज्यादा यूज है, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार क्वेश्चन वगैरह में वहां लगती है, ठीक है। अच्छा तो देखो ये क्या कहती है ये थ्योरम की Let un, vn, wn be three sequences of R such that un is less than vn is less than wn for all n greater than equal to m, ठीक है। ये होने के बाद then if, now if limit n approaching to infinity un
is equal to limit n approaching to infinity w n is equal to l, then limit of n approaching to infinity v n is equal to l. ठीक है, तो देखो ये क्या बोलती है, ये जो सैंडविच थ्योरम होती है ना, ये क्या बोलती है, कि सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, आपके पास तीन सीक्वेंसेस होंगे, कोई भी वो तीन सीक्वेंसेस हों, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस वो तीन सीक्वेंस ना इस ऑर्डर में हों, बेसिकली ना आपको मिलेगा तो एक ही सीक्वेंस, लेकिन आपको क्या करना है कि उस सीक्वेंस को आप उसकी आगे वाली और पीछे वाली टर्म से कंपेयर करना है, उस पूरे सीक्वेंस को, और देखना है फिर कंपैरिजन में कि ऐसे अगर मान लो ये सीक्वेंस मेरे को दे रखा है तो मेरे को ऐसे दो सीक्वेंस ढूंढने पड़ेंगे जो एक इससे छोटा हो और एक इससे बड़ा हो, ठीक है, ऐसे सब सीक्वेंस अगर मिलते हैं ना तो फिर मेरे लिए इसकी लिमिट निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि इन दोनों को मुझे साफ साफ पता चल रहा होता है कि इन दोनों की जो लिमिट होगी ना वो मतलब कुछ भी हो वो लिमिट एल होगी, तो फिर ये जो लिमिट होगी इस सीक्वेंस की वो भी एल हो जाएगी, जैसे जैसे ना मैं एक क्वेश्चन देखूं, मुझे ना इसकी लिमिट निकालने को दे दी जाए 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 3 डॉट 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 प्लस 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन, इसकी ना लिमिट मान लो कि मेरे को निकालने को दे दी जाए, ठीक है, अब देखो इसके निकालने के कई सारे तरीके भी हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हो उसमें जो भी आपसे लगे, मोनोटोनिक और कन्वर्जेंस वगैरह के लगा के आप मोनोटोनिक बाउंड्री लगा के आप कन्वर्जेंट दिखा दोगे, ठीक है, और लीस्ट अपर बाउंड वगैरह का मिल जाए उसमें सीक्वेंस तो फिर उसमें भी सुप्रीमम जो होगा उसका वो हो जाएगा, उसकी लिमिट हो जाएगी, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मैं सैंडविच थ्योरम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं वी एन की तरह मैं इसको एज अ मिडल सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक टर्म उठाता हूँ और उसी को ना कोशिश करता हूँ कि वो किसी न किसी से छोटा किसी न किसी से बड़ा हो, जैसे देखो अगर मैं एन स्क्वायर लूँ दोनों साइड तो मेरे को लेना तो पड़ेगा पहले ऐसे, ठीक है, तो ये बड़ा है मेरे को साफ साफ दिख रहा है, अब मैं अगर ये कर दूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी को नहीं होनी चाहिए अभी भी। अच्छा अब देखो मैंने क्या किया कि 1 बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 की जो टर्म थी ना मेरी इससे छोटी आई, मेरी ये पूर्ण पे अंडर रूट है, ठीक है भाई, तो ये जो मेरी ये जो टर्म थी ना ये इससे छोटी आई, मतलब सॉरी इससे बड़ी आई ये वाली टर्म, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ना और एक और भाषा में लिख लूं तो 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 मेरा क्या आया, लेस देन आया 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। अब एक बात बताओ अगर मैं यहां पर प्लस 3 करता हूं, ठीक है, अगर मैं प्लस 3 करूं तो डिनोमिनेटर मैं बेसिकली बढ़ाता हूं और वो छोटा हो जाएगा, और तो मतलब मैं क्या करता हूं 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 3 भी करूं तो भी ये लेस देन आएगा 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 से, 1 बाय अगर मैं अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 4 कर दूं तो भी ये छोटा आएगा 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 से, तो मतलब मैं आगे करूँ क्यों ये सीधा ऐसे चलता रहेगा, ठीक है भाई, 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 5 1 बाय अंडर, ठीक वैसे जब तक यहाँ तक ना जाए तब तक ये 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 से छोटा रहेगा। अब देखो मैंने क्या किया, अब आप ध्यान से देखो इस सीक्वेंस को देखो, इनको ये टर्म फिर ये टर्म, ये सारा का सारा वैसा ही है, तो मैंने इनको ऐड कर दिया, ठीक है, क्या आया मेरे पास, ठीक है, देखो मैं ना अब इनको ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करने के बाद क्या हो रहा है मेरे को, देखो ये मिल रहा है 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 3 प्लस प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन इज लेस देन 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 कितनी बार एन टाइम्स आएगा ये एन डॉट 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, ये यू एन ही है, अगर मैं इस पूरे सीक्वेंस को यू एन मानू,
ठीक है, तो ये मेरे पास यू एन नहीं है, तो मेरे पास क्या आ गया, यू एन लेस देन आ गया एन डिवाइड बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ठीक है भाई, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए ना मेरे पास एक ये चीज आ गई, मेरे को क्या चाहिए था। देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं सैंडविच थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सैंडविच थ्योरम के लिए मेरे को दो सीक्वेंस चाहिए थे, जो मेरा एक यूएन सीक्वेंस है ना वो कुछ ऐसा मुझे मिल जाए कि ये लेस देन हो जाए किसी डब्ल्यू एन से, ये वी एन से किसी से छोटा हो जाए, तो जहां ये कन्वर्ट करेगा, जहां ये कन्वर्ट करेगा वही ये कन्वर्ट करेगा, तो मेरे पास एक यूएन मिल गया ऐसा जो लेस देन है इससे। ठीक है, मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई यूएन इज लेस देन दिस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यूएन किसी से बड़ा भी हो, तभी तो भाई मेरे को इधर भी सिक्वेंस मिलेगा, यूएन मेरा एक मिडल सिक्वेंस हो जाएगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया था, देखो अब तक मैंने क्या किया था कि मैंने ना एक ये टर्म लेके चली थी, मैंने इसको इस एन स्क्वायर प्लस वन को ना मैंने इस एन स्क्वायर प्लस वन कर दिया था, मतलब इसी से कंपेयर कर दिए थे सारे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इससे कंपेयर करूंगा सबको। मैंने पहले सीक्वेंस में क्या किया, इससे सबको कंपेयर कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं इससे कंपेयर करूंगा सबको। ठीक है, कैसे, देखो ठीक वैसी मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर दूं, अगर मैं इसे इरेज कर दूं तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई ना, मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, मेरे को इस चीज की जरूरत थी बस, यू एन लेस देन दिस। ठीक है, इस चीज की जरूरत थी, आ गई। अब देखो फिर से भाई एन स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा, और अगर मैं सॉरी अगर मैं प्लस वन कर दूं यहां, मैं प्लस एन कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, ये भी ठीक है फिर। ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट भी ठीक है फिर, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अच्छा अब देखो, अब क्या होगा कि वन बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन वन बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन आ गया। ठीक है, तो अब मेरे को कुछ ऐसा देखना है, जैसे कि अगर ये इससे छोटा है, मतलब ये जो टर्म है ना एन स्क्वायर प्लस वन सबसे छोटी है, इसका मतलब ये वाली जो टर्म होगी ना ये भी इससे बड़ी होगी। ठीक है, ये सबसे छोटी में आ रही है ना एन स्क्वायर प्लस एन, इसलिए मतलब ये भी ऐसा भी होगा फिर तो। ठीक है, कुछ ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, अब देखो मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए प्लस ये चाहिए प्लस ये चाहिए, मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, अब मैं ठीक वैसे ना ये देखो, ये इसको मैं प्लस कर रहा हूं इधर वाले को इधर वाले को, तो जब मैं इसको प्लस करता हूँ ना क्या आएगा मेरे पास, वन बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस थ्री प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पर क्या है, वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम एंड तक एन टाइम्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन एन डॉट वन बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन से बड़ा, और ये मेरे पास क्या आता है जब मैं इस पूरे सम को करता हूँ, यू एन, तो यू एन इज ग्रेटर देन एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब एक और इक्वेशन भी बन गई मेरी, यू एन इज ग्रेटर देन एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन, कुछ ऐसे। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, अगर मैं इनको लिखूं, मैं अपनी उसी स्क्वीज थ्योरम की फॉर्म में लिखूं, मतलब सैंडविच थ्योरम की फॉर्म में लिखूं, तो यू एन मेरा ग्रेटर देन है दिस एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, ये लेस देन है दिस एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस, अच्छा इधर प्लस एन है। ठीक है, तो ये प्लस एन। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को ना कुछ नहीं करना, मेरे को इसकी लिमिट चाहिए ना, तो बस मैं इसकी लिमिट देखूं और इसकी लिमिट देखूं, दोनों सेम पर कन्वर्ट कर रही होंगी, और वो भी जो यूएन है ना मेरा उसी उन्हीं लिमिट पर कन्वर्ट करेगा। तो ये देखो, ये किस पर कन्वर्ट करेगा, मैं एन स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर, तो वन प्लस वन अपॉन एन, तो मतलब वन बच जाएगा, वन अपॉन एन तो जीरो, और जो एन बाहर आएगा वो एन से एन कैंसिल होगी, वन पर कन्वर्ट करेगी। ठीक है, ठीक वैसे इसमें एन स्क्वायर कॉमन हो गया, एन से एन कैंसिल,
और ये भी वन पर कन्वर्ज करेगी। तो जो तीन सीक्वेंस की बात की थी ना, वी एन इज लेस देन यू एन इज लेस देन डब्ल्यू एन, तो जो ये और ये जहां कन्वर्ज करते हैं वहीं यू एन कन्वर्ज कर रहा था, ठीक वैसे ये जो यू एन है ये भी वन पर कन्वर्ज करेगा बाय सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इस तरह से हम मतलब यूज करके उसे अप्लाई करके लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, देखो अब तक हमने क्या देखा है, कॉची की ना एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। ठीक है, कॉची क्या कर रहा है, कॉची की इकलौता ऐसा मैथमेटिशियन था या है कहें, ठीक है है तो नहीं, मतलब एक सीक्वेंस को ना, वो आप कोई भी एक सीक्वेंस लो एन, आपके पास तीन तरीके होते हैं इसे कन्वर्जन दिखाने के, अब तक हम तीन या चार तरीके देख चुके हैं। ठीक है, तो उनमें से एक जो पहला तरीका था लिमिट की टाइप में, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एल, अगर इसकी लिमिट यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मैं कहता हूँ कि वो सीक्वेंस जो कन्वर्ज होगा, ये देखा था। उसके लिए हमने तरीके देखे थे, कोई ना कोई लिमिट वगैरह निकालो, कोई ना कोई शॉर्टकट देखो, कोई ना कोई एन से डिवाइड उससे डिवाइड, ये सब करके हमने वो देखते थे। लिमिट अगर हमारी आती एग्जिस्ट करती तो हम कह देंगे कि वो जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा। दूसरा तरीका क्या होता था, मोनोटोनिसिटी में हमने पढ़ा कि अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक हो और प्लस बाउंडेड हो तो मैं ऐसे बस मुझे ये दिखाना होता था कन्वर्जेंस के लिए कि वो सीक्वेंस मोनोटोनिक तो है बस बाउंडेड दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसे सीक्वेंस को बोलता था कि वो कन्वर्ज होंगे, कन्वर्ज कर गए। बेसिकली अब देखो ना ध्यान से कि इस सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स थी उनका भी मैंने यूज नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इसकी तो लिमिट निकाल दी, कन्वर्ज दिखा दिया, इस सीक्वेंस की मैंने मोनोटोनिसिटी देखी और बाउंडेडनेस देखी, उसकी मैंने कन्वर्जेंस निकाल दी। लेकिन अब आप देखो इस आदमी ने क्या किया, ये जो लड़का है ना कॉची, इसने क्या किया, इसने इस सीक्वेंस के सिर्फ एलिमेंट्स को लिया और सिर्फ उन एलिमेंट्स का डिस्टेंस देखा, लेस देन एप्सिलॉन होगा तो वो कन्वर्ज करेंगे। देखा था ना उनके डिस्टेंस वगैरह की बात करी थी एनर्ट टर्म्स में जाकर, ए एम प्लस पी माइनस ए एम, पिछले लेक्चर में था ये। ठीक है, तो कॉची ही बस एक ऐसे अलग तरीके से ना वो कन्वर्जेंस को देख रहा है, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस को बस ऐसे देख रहा है कि इसमें एलिमेंट्स को देखा जा रहा है। सीक्वेंस कॉची ने सीक्वेंस के एलिमेंट्स को देखा, इन दोनों तरीकों से वो नहीं दिखा। ठीक है, देखो कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स में क्या है कि इफ लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, ठीक है, देन एक्स एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन अपॉन एन इक्वल टू एल। ठीक है, बस ये है कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहती है कि अगर कोई भी एक सीक्वेंस है ए एन और वो कन्वर्ज करता है एल पर, तो जो उससे जो सीक्वेंस बनता है ना ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन डिवाइड बाई एन इक्वल टू, वो भी एल पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड की ना, मैं ये लिख दूं मैं 1/n प्लस 1/2n प्लस 1/3n प्लस डॉट 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 प्लस 1/n². ठीक है, इसकी मेरे को लिमिट निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसकी मेरे को लिमिट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैंने ना एक काम किया, पहले 1/n को कॉमन ले लिया, ठीक है, मतलब क्या हुआ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, ये भी ठीक है, डिवाइड किया n से, ये भी ठीक है ना,
देखो मैंने इसे उसी फॉर्म में ले लिया, लेकिन मैं कॉची फर्स्ट थ्योरम कब लगाऊंगा, जब मैं इस ए एन टर्म को देखूंगा। मेरे को क्या पता चला कि इफ इफ की बात करी थी ना, और मैं यहां से देख सकता हूं कि सिंस, ठीक है, मैं ये देख सकता हूं कि सिंस लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी वन बाय एन इज इक्वल टू जीरो, therefore by Cauchy's first theorem on limits implies कि ये जो sequence है ना ये कहाँ जाएगा, one plus one by two plus dot 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 plus one by n divided by n equal to zero, ठीक है, क्यों, क्योंकि Cauchy की first theorem भी यही बोल रही है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके कन्वर्स के बारे में, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, ठीक है, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। काउंटर एग्जांपल में क्या लिखना है, मैंने एक एग्जांपल बताया था ऐसे करवाते टाइम स्टार्टिंग में ही कि यही काउंटर एग्जांपल में कोई भी इजी एग्जांपल देखना तो वो यही है, हर जगह ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर जगह यही लगता है, ठीक है। देखो कैसे कि अगर मैं ना माइनस वन रेज टू द पावर एन को सॉल्व करूं, ठीक है, देखो इस इसका कन्वर्स का क्या मतलब है, पहले देखो कन्वर्स का मतलब देख लो, कन्वर्स क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस कुछ इस फॉर्म में आ जाए, ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन डिवाइडेड बाई एन जो एल हो, ठीक है, जा रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए एन की जो लिमिट होगी, मतलब इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी अगर वो एल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लिमिट भी एल होगी, ठीक है। ये इसका मतलब कन्वर्स ट्रू का क्या मतलब है कि अगर ये हो तो वो हो, कन्वर्स का मतलब ये है ना, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका मतलब ये सिंबल होता ना नॉट ट्रू, अच्छा डज नॉट इम्प्लाई। तो देखो मैं क्या करता हूँ, माइनस वन रेज टू द पावर एन ए वन लिखूंगा तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन, इसका मतलब क्या है, देखो अगर एन इवन हो, एन अगर यहां पर इवन हो तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो जीरो ही आ गया, ठीक है, और एन अगर ऑड हुआ तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन, तो मतलब माइनस वन बाय एन आएगा बेसिकली, वो भी अगर मैं लिमिट निकालूंगा तो जीरो ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस था ना मेरे पास माइनस वन रेज टू पावर एन, इसकी लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी इसकी ये क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब देखो अब ये जीरो आ गया ना, तो इसका मतलब क्या था, अगर कन्वर्स ट्रू होता ना तो ये जो एन है ये क्या करता, अगर कन्वर्स ट्रू होता तो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एन भी जीरो पर कन्वर्स करना चाहिए था एन, लेकिन यहां पर जो an है ना वो ये था ना, तो ये भी जीरो पर कन्वर्स करना चाहिए था, लेकिन मेरे को पता है कि an क्या है, नॉन कन्वर्जेंट, ठीक है, तो इसका मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अच्छा अब देखो, अब इसके बाद Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स के बाद ना Cauchy's सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स देखते हैं, बस ये इस लेक्चर की लास्ट थ्योरम होगी, ठीक है भाई, बोलो Cauchy's सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है। तो Cauchy's सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ठीक है। अच्छा ये क्या है कि इफ ए सीक्वेंस, इफ अ पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस लिख देता हूं, ठीक है, इफ अ पॉजिटिव लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, let an be
अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, देन लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू द पावर वन बाय एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एन प्रोवाइडेड द लेटर लिमिट एग्जिस्ट द प्रोवाइडेड द राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, ये है कॉची थे कि सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या बोलती है कि आपके पास एक जो सीक्वेंस होना चाहिए ना वो पॉजिटिव टर्म का होना चाहिए। उस सीक्वेंस में क्या होता है कि अगर ये हो सीक्वेंस या फिर हम ये देख लें उसका, दोनों की जो लिमिट होगी ना वो सेम आएगी। मतलब क्या है कि जो दोनों की जो लिमिट होगी ना वो उसमें सेम आएगी, ठीक है, प्रोवाइडेड द राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। बस ये है कि बस इसमें ये जो लिमिट है एग्जिस्ट करनी चाहिए, वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, टू बाय वन रेज टू द पावर वन, थ्री बाय टू रेज टू द पावर टू, फोर बाय थ्री रेज टू द पावर थ्री डॉट 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 एन प्लस वन बाय एन, ठीक है, रेज टू द पावर एन होल पावर वन बाय एन, इसकी मैं लिमिट निकालनी है मेरे को, ठीक है भाई, इसकी मेरे को लिमिट निकालनी है। अब देखो बस मेरे पास क्या थी कॉची सेकंड थ्योरम, या तो मैं ए एन की पावर वन बाय एन कर दूं, इसमें पहले से ही है वो चीज, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, इसमें वन बाय एन पहले से ही है। अच्छा तो मैं ए एन की पावर वन बाय एन वगैरह करूंगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो क्यों ना मैं इसी की दोनों फॉर्मूले एक ही काम कर रहे हैं तो क्यों ना मैं इसी से निकालू। लेकिन इससे मैं कब निकाल सकता हूँ, जब ए एन मेरे पास सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स में वो है मेरे पास एन प्लस वन बाय एन, वो तो है ही ना पॉजिटिव में, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं इसी फॉर्मूले को लगा के इसे निकाल रहा हूँ। ये जो है ना ये मेरे पास क्या है ए एन है, तो ए एन क्या है मेरे पास एन प्लस वन बाय एन की पावर एन, ठीक है, और ए एन प्लस वन क्या है मेरे पास एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन की पावर एन प्लस, ठीक है, ए एन है मेरे पास एन प्लस वन बाय एन की पावर एन, और ए एन प्लस वन ये हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, नहीं 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 मैं एन टर्म गलत देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लास्ट देख ली, अगर मैं हाँ ठीक है, देखो तो ए एन ये है ना मेरे पास टू बाय वन, थ्री बाय टू, फोर बाय थ्री, ए एन एन प्लस वन बाय एन की पावर एन, ठीक है, ए एन ए एन प्लस वन क्या होगा मेरे पास, फिर यही होगा, वैसे तो इतना तो यही होगा, बस नेक्स्ट टर्म बढ़ जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगी। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, ए एन प्लस वन बाय ए एन करना है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाय ए एन इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। देखो जब मैं दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा ये सब कैंसिल हो जाएगा ये चीज, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ टू बाय वन, थ्री बाय टू, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन पावर एन, एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, ठीक है, ठीक है ना भाई, तो
डिवाइडेड बाय एन, एन क्या आएगा यही 2/1 3/2 की पावर 2 एन प्लस 1/n की पावर n, तो ये सब कट जाएगा, ये सब इससे कट जाएगा, बस मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, तो मैं बस इसे लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास क्या आ गया, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an आ गया मेरे पास, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अच्छा तो अब देखो मैं इसको n से डिवाइड कर दूं, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2/n 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखो आपको पता होगा क्या आना है, पता है ना भाई, बचपन में देखा था, ये चीज तो हमने देखी थी बचपन में। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, मैं अब यहां पर क्या लिखने वाला हूं, एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख देता हूं, शायद मैंने अभी नहीं लिखवाया है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, पहली बात तो ये कि देखो आईटी जर्मन ना इस पे एक इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि मेरे को ना लिमिट निकालनी हो एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी की एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स एक्स फंक्शन की, इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, हम वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे। तो अगर मुझे ये लिमिट निकालनी हो, मैं अगर एक्स की वैल्यू कुछ लिमिट जा रही हो वो डालकर देखो, मेरी फॉर्म बन रही है 1 रेज टू द पावर इन्फाइनाइट फॉर्म, तो मैं वो जो लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, ई एफ एक्स माइनस 1 इंटू में जी एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, इसकी इक्वल हो जाती है ये, जब भी आपके पास एफ एक्स और जी एक्स कोई भी दो फंक्शंस हों और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अगर 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में बन रहा हूं, तो ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स ये निकल जाएगी। जैसे अब देखो ये यहीं पे क्वेश्चन सीधा मिल गया इसी पे। ठीक है, ये आ रहा था, अब ये क्या है, मैंने यहां पर क्या करना है, लिमिट n approaching to infinity, ठीक है? अब देखो मैं अगर करता हूँ तो 1 plus 2 by infinity 0, 1 plus 1 by infinity 0, तो 1 plus 0, 1 plus 0, 1, और यहाँ पर infinity, तो ये किस type का बन गया, 1 to infinity, non-defined form का बन गया, तो मैं 1 की power infinity के लिए क्या करता हूँ, ये मेरा अगर fx है, और ये अगर मेरा gx है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, fx minus 1, मतलब मैं क्या करूँगा, e raised to the power limit n approaching to infinity, और यहाँ पर fx minus 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो fx minus 1 1 plus 2 by n by this minus 1, तो 1 plus 2 by n by 1 plus 1 by n minus 1, ठीक है, multiply में gx, मतलब ये n plus 1। ठीक है भाई, ठीक है ना, हाँ। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, उसका एलसीएम ले लूँ, मतलब इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ई, तो ई को ना थोड़ा सा ई जैसा ले लो, ई यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने एलसीएम ली इसकी, ये आया मेरे पास 1 प्लस 1 बाय एन आया। ठीक है, और ऊपर आएगा 1 प्लस 2 बाय एन, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 बाय कुछ ऐसे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में जो था n प्लस 1 चल ही रहा है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में मेरा n प्लस 1 चल ही रहा है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी भी मेरा चल रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में e रेज टू द पावर लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, देख रहे हो ना, बस कैलकुलेशन बेस्ड है, इजी है। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले से चल रहा हूं मैं, ये जो फॉर्मूला है ना मेरा, मैं इसी फॉर्मूले से चल रहा हूँ यहाँ पर धीरे धीरे। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, 1 माइनस 1 कर दूं, माइनस जब ब्रैकेट बाहर आएगा, तो अगर 2 बाय n माइनस 1 बाय n, मतलब 1 बाय n ऊपर और नीचे 1 प्लस 1 बाय n, ठीक है, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में n प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसे पहले सॉल्व कर लेना, कभी जल्दबाजी में लिमिट ही निकालो पहले, e
ये क्या आएगा 1 बाय एन, 1 प्लस 1 बाय एन, मतलब मैं अब इसकी एलसीएम लूं एन प्लस 1, 1 बाय एन ऊपर था और नीचे क्या आएगा एन प्लस 1 बाय एन, यही आएगा, मल्टीप्लाई में एन प्लस 1 चल रहा था, मैंने इस एन से इस एन को काटा और इस एन प्लस 1 से इस एन प्लस 1 को काटा, सब कुछ कट गया, इक्वल टू यहां पर क्या था लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, लेकिन मेरे पास अब एन की कोई भी टर्म बची नहीं, ठीक है ना, मेरे पास अब कोई भी एन की टर्म यहाँ पर बची नहीं, तो मेरे पास क्या है ये e रेज टू द पावर लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, एन की कोई टर्म बची नहीं, वन बचा, तो e की पावर 1 मतलब e आ गया, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस था ना मेरा, मैंने देखा कि मेरे पास सीक्वेंस जो था पॉजिटिव टर्म्स का था, तो मैंने कौची सेकंड थ्योरम लगाई, ये पॉजिटिव था तो बाय कौची सेकंड थ्योरम, हालांकि मैंने इस पर लिमिट लगाई है, लेकिन ये जो मेरा सीक्वेंस है एन रेज टू द पावर 1 बाय एन, एन रेज टू द पावर 1 बाय एन है ना, मैंने सेकंड थ्योरम क्या लिखी थी कौची सेकंड थ्योरम कि एन 1 बाय एन इसी के इक्वल होगा एन प्लस 1 बाय एन के, तो मैंने ये चीज निकाली, ये मेरी ई पर आई, ये चीज मेरी ई पर कन्वर्ट करी, और क्योंकि ये मेरी ई पर कन्वर्ट कर रही थी और ये जो सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म है, तो ये चीज भी ई पर कन्वर्ट करेगी, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ई पर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीजें खत्म हो जाती, इसके लिए टेंशन मत लेना, जब हम करेंगे ना और क्वेश्चंस वगैरह देंगे तो हम दोबारा देख लेंगे अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो अब हमारा लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर रह जाता है और हमारे तीन बड़े मीन टॉपिक्स रह जाते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, बहुत मीन है भाई ये, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।